एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने सभी शिष्यों से एक सवाल पूछा, बताओ जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य ने कुछ देर सोचा और एक ने उत्तर दिया, हम अपनी शांति खो चुके होते हैं इसलिए चिल्लाते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं तो फिर धीरे धीरे भी बात कर सकते हैं, आखिर वह चिल्लाते क्यों हैं? कुछ और शिष्यों ने भी जवाब दिया, लेकिन संत संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने खुद उत्तर देना शुरू किया। वह बोले, जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो उनके दिलों में दूरियां बहुत बढ़ जाती है। जब दूरियां बढ़ जाए तो आवाज़ को पहुंचाने के लिए उनका तेज होना जरूरी है। दूरियां जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज चिल्लाना पड़ेगा। दिलों की यह दूरियां ही तो गुस्साए लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। वह आगे बोले, जब दो लोगों में प्रेम होता है तो वह एक दूसरे से बड़े आराम से और धीरे धीरे बात करते हैं। प्रेम दिलों को करीब लाता है और करीब तक आवाज़ पहुंचाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद प्रेम की एक अवस्था यह भी आती है कि खुद फंसाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एक दूसरे की आँख में देख कर ही समझ आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। शिष्यों की तरफ देखते हुए संत बोले, अब जब भी कभी बहस करे तो दिलों की दूरियां को ना बढ़ने दे, शांत चित्त और धीमी आवाज़ से ही बात करे। ध्यान रखे कि कहीं दूरियां इतनी ना बढ़ जाए कि वापस आना ही मुमकिन ना हो। इसलिए मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है।